सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आप लोग देख रहे हैं विशाल ब्लॉगर। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं यहाँ पे इधर कर क्या रहा हूँ। नहीं कर मैं कुछ नहीं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आज कालका जी मंदिर, जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ में जा रहा हूँ। और यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, ये लक्की है, ये भाभी है, वो बहन है, और ये चाची हैं, ये बिक्कू और ये सुमित। तो हम लोग सारे के सारे जा रहे हैं घूमने के लिए एक मंदिर, क्योंकि सुबह हमारा प्लान बना था ये कुछ 12-12:30 बजे के लिए, लेकिन वही तैयार व्यार होते होते बज गए भाई 3:30। फिलहाल हमारी मेट्रो भी आ चुकी है और तैयारी करते हैं निकलने की, तो सीधे वहीं जाके मैं मिलता हूँ आप लोगों को। 2 hours later हम लोग अपने लोटस टेम्पल की ओर में, और यहाँ की साइड में देखोगे आप लोग लंबी वाली लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे मम्मी चाची साथ में रहे पीछे है, तो आगे चल के फिर मिलते हैं। दिखा दो ऐसे बोल दो हाय। तो गाइस लाइन में तो लग गए थे, लेकिन लाइन में क्रॉस करने के बाद में भाई आप लोगों को क्या ही बताएं, अंदर मना कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, खाने पीने का कोई सामान नहीं होगा। तो फिलहाल इस जगह पे हम लोग बैठ के अपना भोजन कर रहे हैं, क्योंकि खाली टिफ़िन ले जाएं वो इनको मंजूर है, लेकिन भरा टिफ़िन नहीं ले जा सकते हैं। तो सामने से मैं दिखा दूँ आप सभी को, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए, और ये है खाना पीना। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और खा पी के फिर निकलते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं कुछ है कि नहीं है, और है तो क्या है। तैयार है ना भाई? 2 hours later फाइनली हम लोगों की एंट्री हो चुकी है अंदर, और सामने देख रहे हो क्या ही गार्डन है, नज़ारा है, महफिल है, और सामने आप लोग देख रहे हो लोटस टेम्पल है। तो ये अभी पास जाके देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं दिखता। फिलहाल को क्या है कि ये आगे पीछे लोग चल रहे हैं। हाँ। सारे के सारे हैं, बढ़िया हैं। और इधर का डिज़ाइन दिखा दूँ, क्या क्या गजब का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन क्या अच्छा क्या करूँ, मेरी नौकरी लगी हुई है कहीं और, नहीं तो मैं इधर ही कर लेता, सजाना ही तो था, यहाँ हो जाएगा। और ओहो बड़े काम का बंदर, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पान लगा देखो अपना मस्त लग रहा है। और ये पेड़ देख रहे होगे आप लोग, खतरनाक पेड़ है, और ये गधा है एक, ये लक्की तो मेरा भाई निकला रे। लक्की हेलो कर रहे, हेलो गाइस, नहीं करना मुँह से हाथ निकाल बाहर, मुँह में घुसे। सो देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, दाल भीड़ लगी हुई है। तो अभी हम और नज़दीक जाते हैं, तो कैसा लग रहा है भाई घूमने? जैसा लग रहा है वैसा तो है। और सामने ये लोग आ रहे हैं, और भीड़ देखो कितनी लंबी है। फिलहाल जैसा भी है काफ़ी सुनहरा, मज़ा आ रहा है। और यहाँ दिखा दूँ स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है जहाँ पे सुमित अभी नहाएगा। क्यों सुमित पैर खाएगा? सो गाइस यहाँ पर अंदर जाने का भी शायद मौका मिल सकता है, हाँ अंदर जाने का मौका है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और ये लक्की आ रहा है, ए, लक्की थक गया, लक्की है, लक्की क्या हो गया है, क्या हो गया वो देखो पानी है, ये पूरा पानी मैं पानी हो गई। तो गाइस चलो लाइन में लगते हैं और साथ ही अंदर पहुंचते हैं। तो दोस्तों अंदर का सीन जो था वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, वो इस तरीके से था कि हम लोग पहले लाइन में लगे थे, लाइन से हम लोग निकल रहे थे, तो एक वहीं का जहाँ पे टेंपल था वहीं का एक कोई बंदा था जो गाइड करा था सब लोगों को हिंदी इंग्लिश में, तो उसने बताया कि अपना फ़ोन वगैरह सब अंदर रख ले, और अंदर जाके सिर्फ शांति से बैठना है, और जो भी जिसको मानता है, कोई भगवान है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, तो अपने धर्म से मतलब वहाँ पर सब एक समान था, तो वहाँ पे वो अपने जो भी चाहता वो मांग सकता था, प्रे कर सकता था, बस इतना ही था। ऊपर काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन था वो, हालांकि मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे मना कर दिया था कि कैमरा यूज़ नहीं करना है। तो वहाँ पर जाके बैठे, काफ़ी बड़ा था, सारे लोग बैठे हुए थे, और काफ़ी शांत माहौल था, और वहाँ से थोड़ी देर के लिए बैठे हम लोग 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग निकले, फिर सारे लोग खाली हो गए थे, तो वहाँ पे कई लोग बैठे हुए थे, तो चुपचाप से निकले और भाग साइड में आ गए, तब मैंने कैमरा ऑन करा। अब आगे का देखिए,
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी अंदर के एरिया थोड़ा बहुत कुछ दिखाया है, उसमें बहुत शांति थी और बाकी मैं कुछ दिखा भी नहीं सकता था आप लोगों को, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। और बाकी थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं जो कि काफ़ी सही रहेगा यादगार पल को लिए, तो खींच लेते कुछ फ़ोटोज़ वगैरह। यहाँ पर तैयार है वो लक्की खींच रहा फोटो। ओ मेंढक, ये इंसान है या जानवर? कभी गधा तो कभी मेंढक, ये मेरी प्रजाति का तो नहीं है। ओ मेंढक उठ जा। दोबारा मत बोलना मेंढक, बता रहा हूँ। इसके आगे आया काफी मजा। और यहाँ पर देखो ये लोग अब सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये अपना लोटस टेम्पल आगे जाके काफ़ी आगे जाके वहाँ से फ़ोटो क्लिक करवाएंगे जो पूरे में मतलब अच्छी लगेगी और समझ में आएगा सब कुछ, तो दिखाते हैं। और यहाँ का नज़ारा यार मतलब अच्छा है, और हरियाली तो है ही दबा के, बहुत बढ़िया एकदम मस्त मस्त दूर दूर तक यही है सब सीन है। और यार इतना मतलब मज़ा आया घूम के, काफ़ी मज़ा आया। जाए जूते लेके आ रहे इक्कू, तो यहाँ पे जूते जमा करवा लिए थे, बोला था कि जूते यहाँ पे जमा होंगे, तो जूते सबके मैंने जमा करवा दिए थे एक थैले में। थैला सबका देखो आप लोग देख रहे होंगे, ये रखा हुआ थैला, तो रखवाते हैं। प्लीज डिसपोज योर शूज हेयर, तो इस तरीके से है सामने, ये नज़ारा तो देख ही रहे हो आप लोग, ये अपनी फैमिली के साथ में है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरा लोटस टेम्पल दिखा दिया, अंदर से दिखा दिया, काफी शांति, काफी बैठने, काफी मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, शांति मिली। एक परेड करनी थी तो जिसमें हम लोग पूरा हो चुका है, तो इसी के साथ में आज का वाला ब्लॉग खत्म। पटा गंदी बात होती बाबू। तो ब्लॉग को यहीं खत्म करना चाहेंगे हम, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि काफ़ी सालों बाद में मतलब चाची आई मेरी, तो उनको घुमाने के चक्कर में मतलब मैंने भी ऑफ वगैरह लिया, मतलब अच्छा लगा घुमा के। मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया, लेकिन अगर भैया मोबाइल है तो कहाँ कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पर आया हूँ, कभी आया नहीं था, और आके बड़ा ही अच्छा लगा। और सामने देखो भाई साहब आम लगे पड़े हैं, मियाँ से आम हूँ ही डार्लिंग तेरे लिए, दिख रहे ना। तो इसी के साथ में ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।